दोस्तों आज की इस वीडियो में सूचकांक से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करेंगे इसमें हम भारत का कौन सा स्थान है, पहले स्थान पर कौन सा देश है या फिर इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, सारा का सारा इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q1 में कौन सा देश शीर्ष पर आए। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जापान। बात करते हैं दोस्तों अपने देश भारत की, भारत का कौन सा स्थान है तो याद रखिएगा 85वां स्थान है। इसको कौन जारी करता है तो याद रखिएगा हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे लास्ट पर कौन सा देश है तो याद रखिएगा अफगानिस्तान सबसे लास्ट पर है और जापान क्या है सबसे पहले स्थान पर है, भारत का स्थान है 85। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी फिनलैंड। याद रखिएगा फिनलैंड लगातार छठे साल दुनिया में सबसे खुशहाल देशों की सूची में पहले स्थान पर है और अपने भारत की बात करें दोस्तों तो 126वां स्थान है भारत का। और आपको बता दें सबसे निचले स्थान पर आप सभी को पता है अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर है। अगर हम बात करें दोस्तों इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है तो याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्टन कैपिटल द्वारा जारी वार्षिक व्यक्तिगत पासपोर्ट पावर रैंक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी संयुक्त अरब अमीरात जो कि शीर्ष स्थान पर है व्यक्तिगत पासपोर्ट पावर रैंक में। और बात करें दोस्तों दूसरे स्थान पर कौन है तो याद रखिएगा स्वीडन का दूसरा स्थान है, जर्मनी तीसरे स्थान पर है और फिनलैंड चौथे स्थान पर काबिज है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारत जो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 13वें स्थान पर है। अगर आपसे पूछे कि पहले स्थान पर कौन है तो याद रखिएगा अफगानिस्तान इस रिपोर्ट के अनुसार आतंकवाद प्रभावित में सबसे पहले स्थान पर है और बुर्किनो पासो जो कि दूसरा स्थान है और सोमेलिया तीसरे स्थान पर है। अगर आपसे पूछे कि इसको जारी कौन करता है तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो कि ऑस्ट्रेलिया की है इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स द्वारा साझा की गई दुनिया के सबसे अधिक आपराधिक देशों की सूची में पहला स्थान किस देश का है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए यानी वेनेजुएला का पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का सबसे हथियार आयातक देश कौन सा बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी भारत। सिप्री के अनुसार भारत जो कि 2022 में दुनिया का सबसे हथियार आयातक देश बन गया है और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे कि सिप्री का मुख्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों तो याद रखिएगा स्वीडन में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर हम आपसे पूछे कि सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखिएगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टाइम पत्रिका ने मार्च 2023 में विश्व के महानतम स्थानों की सूची जारी की, सूची में भारत के कितने स्थल शामिल हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कुल दो स्थान शामिल है भारत के। कौन कौन से दोस्तों, तो देखिए एक हमारा हो जाता है लद्दाख, याद रखिएगा एक है लद्दाख और दूसरा है मयूरभंज। लद्दाख आप जानते हैं कि लद्दाख में है और मयूरभंज कहाँ है तो याद रखिएगा ओडिशा में स्थित है मयूरभंज। अगर आपसे पूछे कि सूची के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा है तो टम्पा, याद रखिएगा टम्पा जो कि यूएसए में स्थित है ये पहले स्थान पर है। और भारत के दो शहरों को इसमें स्थान दिया गया है, लद्दाख का 31वां स्थान है, मयूरभंज का 32वां स्थान है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है।
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी 108वां स्थान रहा है भारत का चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 के अनुसार। अगर बात करें दोस्तों इसमें पहले स्थान पर कौन सा है इस सूचकांक के अनुसार, तो याद रखेगा डेनमार्क का पहला स्थान है और इसको जारी कौन करता है, तो वी डेम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों हाल ही में स्काई ट्रैक्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट अवार्ड किस एयरपोर्ट को दक्षिण एशिया एवं भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड प्रदान किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली। और इन्हें यह पुरस्कार दोस्तों 5वीं बार मिला है, ये बात याद रखिएगा, लगातार 5वीं बार इसे यह पुरस्कार मिला है और इसको रेटिंग की बात करें तो 4 स्टार इसे रेटिंग भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत चौथे स्थान पर रहा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार। अगर हम बात करें कि सबसे पहले स्थान पर कौन है, तो याद रखिएगा अमेरिका सबसे पहले स्थान पर है, इसके बाद हमारा रूस आ जाता है, उसके बाद चीन है और भारत का स्थान चौथा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर वन देश कौन सा बन गया है, तो राइट आंसर आप सभी को पता है कि अपना इसमें प्यारा देश भारत है जो कि दूध के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है और इसे जारी कौन करता है, तो याद रखिएगा खाद्य और कृषि संगठन कॉरपोरेशन सांख्यिकी डेटाबेस। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का 107वां स्थान है। और आपको बता दें इसको जारी कौन करता है, तो कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर लीफले संगठन द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस 2023 परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तराखंड को पहला पुरस्कार मिला है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में। और जो झांकी था दोस्तों उसका टाइटल क्या था, तो उसका टाइटल था मानस खंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 42वें स्थान पर भारत का स्थान है। और आपको बता दें कि अमेरिका पहले स्थान पर है, उसके बाद दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पर फ्रांस है। इसको जारी कौन करता है दोस्तों, तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स अमेरिका के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में किस देश में महिला बिलियनियर्स की संख्या सर्वाधिक रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई, यानी और अमेरिका। याद रखिएगा अमेरिका में 2023 के अनुसार सबसे ज़्यादा महिला बिलियनियर्स है। अगर हमने देश भारत की बात की दोस्तों, तो भारत संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर है जिनमें बिलियनियर्स की संख्या है 9। अगला क्वेश्चन है कि स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लाहौर पाकिस्तान की राजधानी है जो कि IQ एयर के अनुसार एक दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। अगला क्वेश्चन देखें, वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी डेनमार्क। आपको बता दें कि यह जो सूचकांक है दोस्तों, रोजगार में उतार चढ़ाव को सीमित करने और तेजी से वापसी करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता का आकलन करता है। अगर आपसे पूछे कि भारत का कौन सा स्थान, तो याद रखिएगा भारत का 65वां स्थान है और इसको जारी कौन करता है, तो अमेरिका के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं, तो आप सभी को पता है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले स्थान पर हैं। इनको कितना वोट मिला था, तो 78% वोट के साथ ये पहले स्थान पर हैं। उसके बाद मैक्सिको के प्रधानमंत्री 68%, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड के हैं, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया और 5वें पर ब्राज़ील के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्टन कैपिटल द्वारा जारी
पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी 144वें स्थान जो कि भारत का रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कानून व्यवस्था सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी सिंगापुर सबसे सुरक्षित देश की सूची में पहले स्थान पर है और भारत का स्थान है दोस्तों 80 नंबर। ठीक है, भारत 80 नंबर के साथ 60वें स्थान पर स्थित है और सबसे लास्ट में, आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है, सबसे नीचे है, और यह भी किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एक अमेरिका की संस्था है इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। ये जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी 8वें स्थान पर भारत का स्थान है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि इसमें पहले स्थान पर कौन सा है, तो आपको बता दें कि पहले से तीन, याद रखिएगा पहला दूसरा और तीसरा किसी का स्थान नहीं है, चौथे स्थान से स्टार्ट हुआ है, चौथा स्थान है डेनमार्क का, भारत का स्थान है 8वां, और सबसे आखिरी स्थान पर याद रखिएगा ईरान का सबसे आखिरी स्थान है, नंबर है 63वां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 2022 में शीर्ष प्रदर्शन वाला ग्लोबल हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी हनेडा हवाई अड्डा जापान, जो कि शीर्ष स्थान हासिल किया है। और इसको कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा सीरियम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी फिनलैंड का पहला स्थान है। हम बात करते हैं भारत की दोस्तों, तो भारत का स्थान इसमें 68वां है और इसको जारी कौन करता है? तो इकोनॉमिक्स लंदन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारतीय व्यंजन किस स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय व्यंजन जो कि विश्व में व्यंजनों के अनुसार 5वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का 135वां स्थान है। अगर आप बात करें दोस्तों कि पहला स्थान किसका है, तो याद रखिएगा आइसलैंड का पहला स्थान है और सबसे लास्ट स्थान आप सभी को पता है अफगानिस्तान का सबसे लास्ट स्थान है और इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है कि स्विस फर्म आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी चाड, जो कि दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी अपना प्यारा देश भारत। अगला क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्विट्जरलैंड, जो कि 12वें साल लगातार शीर्ष स्थान रहा है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत के स्थान की बात करें, तो भारत 40वें स्थान पर रहा है और इसको जारी कौन करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी हांगकांग पहले स्थान पर है। और भारत की अगर बात करें, तो भारत 89वें स्थान पर है, इसको जारी करता है द फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आप सभी को पता है कि इसमें शीर्ष पर रहा है डेनमार्क। और अगर हम आपसे पूछे कि सबसे लास्ट कौन सा स्थान देश का है, तो याद रखिएगा अपना जो पारा देश भारत है उसका सबसे अंतिम स्थान है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के अनुसार। इसका रैंक है 180 देश में 180।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 2022 में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर रही है। अगर पहले स्थान की बात करें तो अमेरिका, याद रखिएगा अमेरिका पहले स्थान पर है, और इसको जारी कौन करता है तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी आइसलैंड। अगर बात करें भारत की तो भारत की रैंक इसमें 41वां है। जारी कौन करता है तो मॉरिसन इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगला है दोस्तों कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो राइट आंसर आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है बड़े राज्यों में। और बात करें तो सबसे स्वच्छ राज्य अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा MP यानी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। छोटे राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य पूछे तो याद रखिएगा त्रिपुरा पहले स्थान पर है। और सर्वेक्षण कौन जारी करता है तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।